शिक्षा, साहित्य, संस्कृत, संगीत और आध्यात्मिक चेतना के इस शहर की मिट्टी को मैं अपने मस्तक से लगाता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आइए थोड़ी देर मैं आपके बीच में हूँ, एक विशेष कविता सुनाना चाहूँगा। लेकिन मंच पे बहुत सारी बातें हुई, उनके बीच से मैं कुछ बातें आपके आनंद के लिए भी कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला। माननीय तिवारी जी सामने बैठे हैं। बनारस के चाहे शिक्षा, साहित्य, संस्कृत सब में आगे है, लेकिन आज मैंने जो राजनीतिक चेतना बनारस के लोगों में देखी, मैं वो आपकी अदालत में रखना चाहता हूँ। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो एक बार हमारे संबंध में ताली बजा दीजिए, मैं शुरू होता हूँ। सुनील भाई, सच्ची घटना बता रहा हूँ। बनारस आ रहा था, बनारस में जैसे घुसा चाय पीने का बड़ा मन था। एक ढाबे पे नजर गई तो एक बहुत अच्छा सा बोर्ड लगा हुआ था, लिखा था भाजपा चाय 20 रुपए, कांग्रेस चाय 10 रुपए, गठबंधन चाय 2 रुपए। पैसे से पत्रकार हूं तो मन में सवाल पैदा हुआ कि ये बोर्ड कैसा। मैं गया दुकान पर, मैंने भैया ये क्या, भाजपा चाय 20 रुपए, कांग्रेस चाय 10 रुपए, गठबंधन चाय 2 रुपए, क्या मतलब, क्या बात है। समझाया उसने, राजनीतिक चेतना अच्छी लगे तो बताना आप तालियों से। बोले भाई साहब, जो शुद्ध दूध से चाय बनाता हूं वो भाजपा चाय 20 रुपए, और जिसमें आधा पानी भी मिलाता हूं वो कांग्रेस चाय 10 रुपए, हमने गठबंधन चाय। बोले भाजपा और कांग्रेस की चाय पी के जो लोग छोड़ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी कुल्हड़ में बचती उसको मिला के पिला देता हूं गठबंधन चाय। बहुत अच्छे राजेश चेतन, क्या कह रहे भाई साहब। राजेश चेतन हरियाणा से हैं, बड़ी हरियाणा की भी बात की इधर। सरदार मनजीत सिंह भी हरियाणा से हैं। मैं इन दोनों लोगों को बताना चाहता हूं, हरियाणा के और यूपी के संस्कारों में एक फर्क है जी। मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, आनंद लेना आप। क्या फर्क है राजेश भाई जी, स्वागत। आपने देखा पिछले दिनों तमाम बाबा जेल गए, ज्यादातर हरियाणा के। फर्क ये है कि हरियाणा वाले लोग पहले बाबा बनाते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं, बाद में जेल भेज देते हैं। हम यूपी के लोग भी बाबा बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं, बाद में मुख्यमंत्री बना देते हैं। भाई क्या बात, ताली आपकी थोड़ी कमजोर है। भगवान करे आपका अगला जन्म हरियाणा में ही हो। हाँ तो हरियाणा यूपी एक हो जाएगा। एक टिप्पणी और करना चाहता हूं, तमाम सारे नेताओं को लेकर बात कर दी गई। मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहता हूं, काशी के मंच पर खड़ा हूं, भगवान विश्वनाथ के सामने खड़ा हूं, और ये कहता हूं कि एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबल, होठों पे गुरुग्रंथ की पवित्र जबान रख के आपकी अदालत में खड़े होकर पूरे होशो हवास से ये घोषणा करता हूं कि देश में नेता कोई नहीं है। मोदी जी ने कभी अपने आप को नेता नहीं माना, चौकीदार। वाह क्या बात है, ये बड़प्पन है उनका कि देश में नेता कोई नहीं है। नेता इस देश में एक हुआ जिसके नाम पर नेता शब्द को सम्मान मिला, नेता शब्द को इज्जत मिली, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। वाह बहुत अच्छे, सैल्यूट। नारा दिया था उन्होंने एक, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजकल जो माहौल सुनना चल रहा है, तमाम सारे नेताओं के, तथा कथित नेताओं के आप बयान सुन रहे होंगे। तिवारी जी मैं कहां संकेत करना चाहता हूं बताना, उन्होंने नारा दिया था कि तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के कुछ नेता क्या कहते हैं, तुम हमें आजादी दो खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। माहौल खराब करके रख दिया। कैसे कैसे नेता, एक नेता जी आ गए, बोले गर्दन पे चाकू रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मत बोलो। कौन कहता है भारत माता की जय बोलो। मैं तो ये कहता हूं कि आप जैसे नेताओं को, इन जैसे नेताओं को भारत माता की जय बोलनी ही नहीं चाहिए। टिप्पणी सुनना साहब, आपसे भी तालियां मांगता हूं, सच्ची लगे, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। ऐसे नेताओं को भारत माता की जय नहीं बोलनी चाहिए। क्यों? बहुत हौसले के साथ कहा, तालियां भी हौसले से देना। इसलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि मेरा मानना है कि नाली की गंदी मिट्टी से पूजा के बर्तन नहीं गढ़े जाते। वाह, नाली की गंदी मिट्टी से पूजा के बर्तन नहीं गढ़े जाते। जुबानें अगर गंदी हो तो प्रार्थना के श्लोक नहीं पढ़े जाते।
वाह 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 क्या बात है। दीपक भीतर 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 एपीजे अब्दुल कलाम साहब बैठे हों तो भारत माता की जय अपने आप निकलती है। वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में अपने परिवार को बुलाया, एक हफ्ते रखा, एक चाय से लेके और एक गुलाब का फूल तोड़ने तक जितना खर्चा हुआ अपने वेतन से राजकोष में जमा कराया। इससे बड़ी भारत माता की जय क्या हो सकती है। क्या बात है वाह। सलीम साहब आपने बहुत अच्छा पढ़ा, एक संकेत करता हूं, मैं और तुम अगर हो जाएं हम तो देश बन सकता है। वाह। एक काम आपको करना है, एक काम मुझे करना, आपने शुरू कर दिया, अच्छी बात है। आपको क्या करना है, आपको ये करना कि वातावरण बनाइए कि मस्जिद भी गीता गुने। मुझे क्या करना है, मस्जिद भी गीता गुने, मंदिर गुने कुरान। बाबा परिणाम क्या आएगा, अच्छा लग जाए तो बताना। मस्जिद भी गीता गुने, मंदिर गुने कुरान, विश्वगुरु हो जाएगा फिर से हिंदुस्तान, विश्वगुरु हो जाएगा। कैसे कैसे नेता एक स्ट्राइक कोई सर्जिकल स्ट्राइक कोई सबूत मांगने शुरू कर दिए। सीमा पर होते नहीं अगर जवान शहीद, कैसे मनते देश में तीज दिवाली ईद। आप सबूत मांगे, आइए मैं एक व्यंग पढ़ता हूं थोड़ी तल्ख भाषा में इन सबूत मांगने वालों के लिए। और व्यंग मैंने कहीं से नहीं उठाया, अपने घर से उठाया। आपको सच्चा लगे अच्छा लगे तो हाथ खोलना, मुझे मालूम है आप थक गए। मैं ऑफिस से लौट के जैसे ही घर आया, ये सबूत मांगने का चलन अब अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है, इसका दुष्प्रभाव हमारे घर परिवारों तक में आने लगा है। मैं दफ्तर से लौट के जैसे ही घर आया, बेटे को कंप्यूटर पे कुछ उल्टा सीधा करके पाया तो मैंने उसे हड़काया, वो डरने के बजाय मुस्कुराया। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। मैंने कहा मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। ये सुनकर बेटा मुस्कुराया, बोले आप हमारे बाप तो एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। बोले एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। सुनील भाई मैंने वहीं पर पढ़ा, ये सुन के मेरा दिमाग भरनाया, मन तनतनाया। मैंने वहीं पे पढ़ा, उसका जूता उठाया, उसके गाल पे जोर दागी से लगाया, वो मारे दर्द के बिलबिलाया, फिर जोर से चिल्लाया ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे बाप मेरे बाप मेरे बाप। और संकेत देखना, ये सुन के मेरा दिल मेरा मन कमल की तरह खिल गया। मैं खुश था एक ही जूते में सबूत मिल गया, मैं खुश था कि एक ही जूते में सबूत मिल गया। समय की सीमा है, एक 4.5 मिनट की कविता जो हम यहाँ रखना चाहते हैं। ये जो जो लोग बीच से उठ रहे हैं, मेरा निवेदन है बिल्कुल न उठें। और माननीय तिवारी जी ये बात मैं इसलिए निवेदन करता हूँ क्योंकि भरे पूरे परिवार से जब कोई अचानक उठ जाता है तो कविता पढ़ने का मन नहीं करता। एक बार प्रजातांत्रिक तरीके से ताली बजा के आदेश कर दीजिए, एक विशेष कविता रखता हूँ, इसके बाद में सुनील जोगी जी पढ़ेंगे और फिर ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। दुनिया के 24 देशों की यात्रा की हिंदी कविता लिखकर, हर देश की संस्कृति और संस्कारों को जाना समझा, लेकिन मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूँ इतने देश देखे लेकिन हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं मिला। आखिर वो कौन सी मजबूती है जो दुनिया में हमारा देश सर उठा के खड़ा है। आइए एक कविता पढ़ता हूँ, थोड़ा शीघ्रता से पढ़ता हूँ। वो मजबूती क्या है, वो मजबूती ये कि हम नहीं भूले नहीं भूले। कल कल करती गंगा यमुना का बहना, गंगा की गोद में बैठे हुए हम दुनिया के किसी कोने में हो अपने संस्कृति और संस्कार नहीं भूलते। हम नहीं भूले नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, और हम नहीं भूले नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। वाह, महसूस करना भीतर से, आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। भगवान भोलेनाथ की नगरी में हूँ, पीछे भगवान जी हैं। एक पंक्ति आपके शहर से भगवान की बीच से उठाता हूँ, पकड़ लेना तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के बताना कि आपने पकड़ लिया। हम हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान अकेले अपनी चिंता नहीं करता,
उसकी रेंज, उसकी सीमा कहां तक जाके जाती है। एक पंक्ति पढ़ता हूं कि हम नहीं भूले, नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, हम नहीं भूले नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना, हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल का सीना जानते हैं, हम भगवान शिव शंकर के वंशधर दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। जय हो, हम भगवान शिव शंकर के वंशधर दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं, हम पड़ोस के सुख में सुखी उसके दुख में दुखी होते हैं, हम काटने वाली कैंची कहीं कभी नहीं होते, हम जहां भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते हैं। होंगी होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, 60 माले की बिल्डिंग सन्नाटा, क्या फर्क है हिंदुस्तान इन विकसित देशों में? फर्क यह है कि विकसित देश के लोग ऊंचे ऊंचे मकान बनाना जानते हैं और हम हिंदुस्तानी एक कमरे में भी घर बनाना जानते हैं। होंगी होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इमारतें, और होंगी किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन हम बहुत मजबूत, बहुत सुरक्षित, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, बहुत अच्छा, ये संस्कार, ये रिश्ते, ये परिवार, ये रिश्ते, ये परिवार, क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी और औसत देने वाली तुलसी को भी माँ मानते हैं। वाह वाह। और सबसे बड़ी बात ये कि हम माता पिता गुरु और बुजुर्गों को भगवान के बराबर जानते हैं। वाह। हमारा देश क्यों मजबूत, अंतिम टुकड़ा पढ़ता हूं, इसलिए क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। बहुत बढ़िया, आपने देश के स्वाभिमान को जीने की कोशिश की, दिल के दरवाजे पर अगर देश का स्वाभिमान कहीं दस्तक दे तो ताली बजा के सैनिकों तक श्रद्धांजलि भेजना। मैं बताता हूं कि सीमा पर एक सैनिक के साथ कौन कौन लड़ता है, अपनी भूमिका तलाशना। कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, कौन कौन लड़ता है? हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेंत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। वाह वाह वाह। पूरा देश लड़ता है, चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरविंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। वाह वाह। जय हो, जय हो, जय हो। हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है और सही सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। वाह भाई वाह। जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। अभिनंदन की बात की गई, 2 पंक्तियां कहता हूं, पकड़ लेना है मैं क्या कहना चाहता हूं तो बताना, क्योंकि हमारे दुनिया के तमाम देश हमारे सैनिकों के शौर्य का लोहा मानते हैं, हमारे यहाँ सबूत मांगे जाते हैं, दुनिया किस नजर से देखती है, सुनना, दुनिया के तमाम देश हमारे यहाँ के सैनिकों के शौर्य का लोहा मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के अभिनंदन चिड़िया से बाज मार गिराने का हुनर जानते हैं। बात अच्छे, वाह वाह वाह। चिड़िया से बाज मार गिराने का हुनर जानते हैं, इसलिए सुन ले दुनिया, अब हमारी प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता, हम बहुत मजबूत हैं, बहुत, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। और अंतिम पंक्तियां, एक पंक्ति आप देश के स्वाभिमान के नाम पर सुनना और एक पंक्ति आनंद के साथ सुनना और ताली बजा के विदा करना। अंतिम पंक्तियां आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, पंक्ति सुनना कि आज दुनिया के तमाम देश, आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी
भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। इमरान खान जाते हैं, बस में बैठ के जाना पड़ता है, सिक्योरिटी मिलने आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जाते हैं तो प्रोटोकॉल तोड़ के वहां के राष्ट्रपति ट्रंप जी आगे बढ़ के आते हैं और गले लगाते हैं। वाह, तो सुनना, तालियां कमजोर हैं, अंतिम पंक्तियों पर देखना कितनी तालियां देते हैं। मन की बात हो कि आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है, और जिसे कभी वीजा देने से मना किया था उसे जीजा कहके बुलाना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने सुना।